शुरुआत से बताइए क्या क्या हुआ सर को भी ले लो प्रेम में अभी माननीय अध्यक्ष साहब और मैं सीएम साहब से हमारी मुलाकात थी काफी सकारात्मक मुलाकात रही उन्होंने कहा है कि भाई देखिए हम लोग समझ रहे हैं कि कोविड का प्रसार भी चल रहा है हमारी केवल एक ही मांग थी कि सर जब आपने जिम खोल दिए आपने बार खोल दिए 50% साथ तो हम लोगों को भी कम से कम इस बात की अनुमति प्रदान की जाए तो उन्होंने कहा कि ठीक है उन्होंने अपने जो पीआरओ थे उन्हें दो बार कहा कि भाई आप लोग इस पे संज्ञान लें और तुरंत कोई एक्शन लें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है अगर थोड़ा कम स्थिति रहती तो हम आपको खोल देंगे फिर उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कौन देखेगा इसको मॉनिटर कौन करेगा कि 50% लोग या कितने लोग हमने कहा सर अगर हमसे ऐसी कोई गलती होती है तो आप हमारा बेशक चालान करें और हमने ये भी उन्हें यहां तक कह दिया कि सर अगर आप नहीं खोल पाएंगे तो हम पे अपना इंस्टीट्यूट खोलने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है चाहे आप लोग हमारा चालान काट दीजिए है ना और बाकी तो हमारे पास जीवन जीने का तो यही आधार है और हमारे साथ हम ही नहीं हमारे साथ कम से कम एक लंबी चेन है जो प्रभावित हो रही है बिल्कुल बिल्कुल है ना बाकी माननीय अध्यक्ष भी साथ थे बाकी बस मुख्यमंत्री जी ने यही कहा हमको कि इस पे आप उन्होंने अपने पीआरओ को कहा है कि इस पे आप लोग जो है थोड़ा सा संज्ञान लें इस बात पे तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा इस वीक वेट कर लेना चाहिए अगर इस वीक में अगर कोई डिसीजन आता है अच्छा हमारे फेवर में तो हम लोग जो है ठीक है फिर और अगर नहीं आता है हमारे फेवर में तो फिर मंडे से सभी लोग अपने कोचिंग खोलिएगा ठीक है सर धन्यवाद।